नमस्कार रेल साथियों, हम जेई मैकेनिकल का जोधपुर वर्कशॉप का 25% कोटे का जेई मैकेनिकल का पेपर सोल्व कर रहे थे और उसमें अपन ने आपके दो पार्ट में पेपर को सोल्व कर लिया था। मैथ्स के उसमें क्वेश्चन छोड़े हुए थे तो वो देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्स के लिए तो इसमें मैथ्स के सवाल करने से पहले एक प्रश्न का हम उत्तर चेंज कर रहे हैं। प्रश्न ये था, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। प्रश्न था आपके, किस कोच के एंड पैनल पर क्रॉस निशान बनाए जाते हैं? किस कोच के एंड पैनल पर क्रॉस के निशान बनाए जाते हैं, यानी ये वाला क्रॉस का निशान, ये पीला कलर का होता है। पीला मैं आपको यहाँ बना के क्या बताऊं, ये पीला कलर का होता है। ये पेन लाल कलर का है, पीला कलर का होता है। तो ये आपके SLRD कोच होता है, ये आपके SLRD कोच होता है। तो हैंड रेड में आपके ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और जो पीली पट्टी की धारियां बनाई जाती हैं, जो पीली पट्टी की धारियां बनाई जाती हैं, वो GS कोच पे बनाई जाती है और वो इंडिकेट करते हैं कि ये एंटी टेलीस्कोपिक कोच है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये पूछा जाता है प्रश्न इंटरमीडिएट में, जेई में, रैंकर कोटे जेई में, जो भी टेक्निकल एग्जाम होता है, कि जो पीली पट्टी की धारियां होती हैं कोच पर, वो क्या इंगित करती हैं? तो वो एंटी टेलीस्कोपिक कोच के लिए इंगित करती हैं। तो ठीक है साथियों, हम जो मैथ्स के थे उनको सोल्व कर लेते हैं। तो मैथ्स के लिए अपन को चलना पड़ेगा प्रश्न नंबर 25 से 29 तक। 5 प्रश्न मैथ्स के थे इस पेपर में, तो ये हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति कुल दूरी 10 घंटे में पूरी करता है। यदि वह प्रथम आधी दूरी 21 किलोमीटर घंटा की गति से एवं शेष आधी दूरी 24 किलोमीटर घंटा की गति से पूरी करता है, तो उसने कुल कितने किलोमीटर दूरी तय की? तो हम इसको यहां से करेंगे। माना कि वो दूरी अपना x मान लेते हैं, तो आधी दूरी x मान लेते हैं, तो आधी दूरी अपनी x है। तो पहली दूरी उसने 21 किलोमीटर से करी, फिर दूसरी दूरी वो बोल रहा है 24 किलोमीटर से करी, तो यहाँ अपन 24 किलोमीटर लिख लेंगे। फिर बराबर इसने कुल दूरी 10 घंटे में, तो 10 अपन यहाँ कर लेंगे। अब यहाँ पर अपन इसका लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 21 और 24 का अपने आ जाएगा, इसको यहाँ देख लेते हैं, 21 और 24 का हम देख लेते हैं क्या आता है। पहले इसको 3 से विभाजित करेंगे तो ये 7 आ गया, ये 8 आ गया। अब ये हो गया तो ये हो जाएगा आपके 3 7 21, और 21 को 8 करेंगे तो 168 यहाँ आ जाएगा। 168 में 21 का भाग देंगे तो ये आपके सीधा सीधा 8 बार चले जाएगा, तो 8x यहाँ आ जाएंगे, प्लस 24 का 168 में देंगे तो ये 7 बार जाएगा, तो 7x यहाँ आ जाएगा, बराबर में आपके 10 घंटे हो जाएंगे। और फिर अपन नेक्स्ट इसको करते हैं, स्टेप लेते हैं, तो ये आपके 15x बराबर 10 इंटू 168, फिर आपके नीचे चले जाएंगे 15, तो यहाँ पे 3 से काटेंगे 5 बार, और 3 से कटेगा ये 5 और ये 56 बार हो जाएगा। फिर इसको 5 से यहाँ 2 बार काट देंगे, तो 56 को 2 से करेंगे तो ये 112 आ जाएंगे। तो ये जो 112 आया, ये x का मान आया, तो यहाँ आधी दूरी 112 और फिर आधी दूरी 112, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपके 224 आ जाएगा। तो ये जो आपके आंसर है वो 224 सी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो ये था आपका। नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, दो ट्रेनों की स्पीड का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 400
एमएम की दूरी 4 घंटे में, ये एमएम नहीं है मेरे हिसाब से, किलोमीटर है। कि दूरी 4 घंटे में पूरी करती है, तो पहली ट्रेन की स्पीड किलोमीटर घंटा क्या है? यहाँ जो इन्होंने दे रखा है वो 7:8 दे रखा है, और आपको दूरी के लिए, आपको यहाँ ट्रेन की स्पीड पूछी है तो चाल पूछी है, तो चाल बराबर यहाँ आपका, चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। तो दूरी आपकी 400 है और आपका जो टाइम है वो 4 4 घंटे है, तो ये 4 से 400 काटेंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका है ये 100 का अनुपात है, तो क्योंकि ये जो आपका कटेगा ये 8 से 100, ये सीधा 12.5 बार कटेगा, यानी 12.5 से 8 बार सीधा 100 कटता है। 12.5 का पनफाड़ा भी बोल सकते हैं, 12.5 का डबल, यानी 100 और 8 सीधा 12.5 कटेगा। तो अपन यहाँ में से यदि 100 में से 12.5 निकालते हैं तो ये आपका 87.5 निकल जाएगा। तो इस हिसाब से ये आपका 87.5, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर आता है। तो यहाँ सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो 27 नंबर है इसको देख लेते हैं, ये 4 माइनस 1 है तो अंदर माइनस का 1 रह जाएगा, फिर ये माइनस है, अंदर माइनस के 18 है, प्लस के 15 होते हैं, तो माइनस यहाँ 3 हो जाएंगे। तो यहाँ बीच में माइनस है, अंदर माइनस है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस के 3 हो जाएंगे, और 3 में से माइनस का 1 जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएंगे। तो 2 आपके ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 28 है वो देख लेते हैं, 16 मीटर व्यास के वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे व्यास पूछा है, तो व्यास का आधा करते हैं तो त्रिज्या का, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो 16 का आधा करेंगे तो 8 आ जाएगा। और इसके लिए जो फार्मूला है φr² है, तो φ × 8 × 8 आ जाएगा, तो ये φ64 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ये आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर है, रमेश ने एक पुराना स्कूटर 4500 रुपये में खरीदा, वो 500 रुपये रिपेयरिंग पर खर्चे, वो पुनः 5500 रुपये में बेचा, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो ये जो 500 रुपये खर्च किया है रिपेयरिंग के, ये आपके क्रय मूल्य में ही आएंगे। तो ये 4500 और 500 रुपये आपका 5000 रुपये है, जो आपके क्रय मूल्य यहाँ हो जाएंगे। फिर वो 5500 में बेचता है, तो 5500 में बेचता है, तो यहाँ पे आपका जो 5500 में ये बेचता है, तो ये 500 रुपये जो इसका बेनिफिट है, ये 500 रुपये तो ये बेनिफिट है, लाभ है, तो इसे कितना प्रतिशत निकाला है लाभ? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, तो यहाँ 500, क्रय मूल्य आपका 5000 आ जाएगा, क्योंकि ये रिपेयरिंग का खर्चा इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 5000 आपके आ जाएंगे। और यहाँ पे 100 से इसको परसेंटेज के लिए 100 से कर देंगे, तो ये 2 0 से 2 0 उड़ी, 1 0 से 1 उड़ी, फिर आपके ये 5 से 2 बार कटा, तो ये आपका 5 × 10, 10% आपका ऑप्शन ए में है, 10% आ जाएगा, 10% जो कि ऑप्शन ए में, तो 10% आपका आंसर हो जाएगा, यानी 29 में ए आंसर करप्ट हो जाएगा। तो ये थे साथियों 5% जो मैथ्स के अपन ने छोड़े थे, ये अपन ने सोल्व कर लिया है। इसी के साथ ये पेपर भी पूरा हो गया है, तो ये पेपर समाप्त हो गया है आपके, 110% अपन इसमें मैथ्स सहित पूरे कर लिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।